टाइम इस्तांबुल में रात को फेरी राइड ले सकते हैं, तो वो अब पता नहीं कि ये हमें अलहमदिल्ला। मैं पहली मैं तो इस्तांबुल में हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए तकसीम शुहर आया था, तो बड़ी दूर से भाग भोग के एक मिनट पहले पहुंचे। ऐसा ही है, मैं आपके साथ था। साथ थे आप। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो यार मोस्टली मैं कमीज शलवार पहना नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ना कमीज शलवार पहन के एक अलग सी वाइब्स आती हैं। खैर अभी शायद 4:45 के आसपास का टाइम हुआ है और कुछ ही टाइम बाद ना हम एंटर करने लगे हैं 2024 में इंशाल्लाह। खैर उसके लिए आज हम देखेंगे यहाँ पे इस्तांबुल में न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा तो यार हम तैयार होके निकल गए घर से और मेरे साथ हैं सुलेमान भाई। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा ये बताएं आज का क्या प्लान है? वैसे प्लान बताने वाले भाई तो हमारे पीछे से कॉल पे हैं। ताकिब भाई सर, आज का हमारा प्लान ये है कि जैसा कि आज आप सबको पता है कि 31 दिसंबर 2023 जो है वो हमारे हाथों से निकल गया है। हाथों से निकल गया, जैसा कि निकल ही गया है, बिल्कुल बस निकल गया। तीन चार घंटे रहते हैं। तो ये अब इधर हम जा रहे हैं बॉस्फोरस ब्रिज, यहाँ पे ये इस्तांबुल दो हिस्सों ज़्यादा डिवाइड है, एक एशियन साइड है और एक यूरोपियन साइड है। अभी हम रहते हैं यूरोपियन साइड में, तो एशियन साइड और यूरोपियन साइड को जोड़ने का इनका एक ब्रिज है बॉस्फोरस ब्रिज, और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर सिर्फ फायरवर्क्स शो देखने। सही, उसके बाद का प्लान देते हैं क्या। तो ये कंफर्म है कि वहाँ पे फायरवर्क्स हो रहे हैं? यार ऑलमोस्ट हर ईयर होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम तो 20 साल आए हैं, लास्ट ईयर मैं देखा था तो तकरीबन फायरवर्क्स हुए थे, काफ़ी ज़्यादा फायरवर्क्स हुआ था, हमने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एक भाई बेचारे हमारे काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं स्टेशन पर, अरसलान भाई। अब पहले जाके ना उनसे हम माजरत वगैरह करेंगे लेट आने के लिए और फिर सफ़र शुरू करेंगे। कहाँ के लिए? फायरवर्क्स के लिए। अच्छा तो यार यहाँ कहीं से है ना, अभी हमने फेरी राइड लेनी है, लेकिन उससे पहले ये मस्जिद देखें, क्या खूबसूरत मस्जिद है। अच्छा तो यार हम एक स्पॉट पे पहुँचे हैं जहाँ से ना हमें पता लगा है कि हम इस टाइम इस्तांबुल में रात को फेरी राइड ले सकते हैं, तो वो अब पता नहीं कि ये हमें अलाउ करेंगे इस टाइम के नहीं। खैर पहुँचते हैं, देखते हैं क्या बनता है, मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जब से इस्तांबुल में आया हूँ मैंने ये फेरी राइड ली नहीं है। लोग तो बैठ रहे हैं, लोग बैठ रहे हैं और हमें मिल जाएगी, उम्मीद है मिल जाएगी। काफ़ी मुश्किलों से ना हमें ये जगह मिल गई है, क्योंकि फेरी राइड हम ले रहे हैं और हम जा रहे हैं बॉस्फोरस ब्रिज वाली साइड पे। यहाँ पे हवा बड़ी है, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं।
तो यार यहाँ पे ना इस्तांबुल में ये था फायरवर्क्स, और जितना सोचा था उतना हुआ नहीं है वैसे, लेकिन अच्छा था। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो ये अच्छा था। और ये पीछे आप ना देख लें जो हजूम है, और ये भी बहुत कम हो गया है, ये भी बहुत कम हो गया है, इससे 10 12 15 गुना ज़्यादा था पहले। यहाँ पे हैं हमारे इरफान भाई। इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा बताएं जी, कैसा लगा आपको इस्तांबुल में न्यू ईयर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहली बार तो इस्तांबुल में हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए तकसीम शुहर में आया था, तो बड़ी दूर से भाग भूक के एक मिनट पहले पहुंचे। ऐसा ही है, मैं आपके साथ था। साथ थे आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया, बड़ा अच्छा माहौल, बड़ी अच्छी खूबसूरत लोग, कॉपरेटिव, और बहुत अच्छा इंजॉय किया हमने। अच्छा थोड़ा सा अच्छा ये बता दें कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा आपको यहाँ पे मिला है कि नहीं? एक्सेप्ट बहुत कुछ किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हर कदम बहुत अच्छा माहौल। कुछ इस तरह की सेलिब्रेशन हुई थी आज इस्तांबुल में न्यू ईयर के लिए। अभी टाइम हो गया है 2:51 रात के, 7:30 जो थे दोस्त वगैरह वो चले गए अपने घरों की तरफ, और अच्छा था, जितना एक्सपेक्ट किया हुआ था उतना हुआ नहीं है, लेकिन दैट वाज गुड। और जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो था फेरी राइड में, क्योंकि वो मैंने कभी नहीं ली थी बिल्कुल भी यहाँ पे इस्तांबुल में। चलें जी, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।